iQube यूज़ करते हुए मुझे 2 महीने हो चुके हैं। एक्सपीरियंस मेरा इसका बहुत अच्छा है। मैंने काफ़ी यहाँ पे मार्केट में देखा, ये मुझे TVS की सबसे बेस्ट लगी। पीपल हु कम अक्रॉस एंड नोटिस TVS iQube, दे ऑलवेज आस्क देयर व्हाट इज़ द कॉस्ट मैम, फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस। जिन लोगों ने हमारे घर में, दोस्तों में, जिसने भी टेस्ट ड्राइव ली, चलाई, सबने तारीफ करी, क्योंकि गाड़ी दिखने में ही हैवी लगती है, तो जहाँ भी खड़ी कर दो तो 2-3 लोग तो पूछ ही लेते हैं, भैया ये कौन सी है, कितने की पड़ी ये वो। क्योंकि मेरा बेकरी का काम है, जिस वजह से मुझे केक वगैरह डिलीवर करना होता है, जिसके शॉकर वगैरह बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से मेरे आज तक कोई भी केक इसको लेने के बाद ख़राब नहीं हुआ। मेरा फील्ड वर्क का काम है बुटीक का, एक बार चार्ज करने पर मेरा करीब 100 किलोमीटर पर डे का काम रहता है, उससे आराम से हो जाता है। अक्सर क्या होता है, हैंडल्स टूट जाते हैं ज़्यादा लगेज टांगने पर, जो उसके हुक्स लगे हुए हैं काफ़ी अच्छा है टॉलरेंस उसका। सबसे अच्छे फीचर की अगर बात करें तो जिस चीज़ का हम फ़ायदा उठा रहे हैं वो चार्जिंग पोर्ट है। डिग्गी में आपका चार्जिंग पोर्ट दी है USB की, तो अक्सर ऐसा हमने यूज़ किया है उसका, डिग्गी में मोबाइल चार्ज हो रहा है, ऊपर ब्लूटूथ लगा हुआ है, कॉल आती है, ब्लूटूथ से रिसीव कर लिया, आपके डिस्प्ले में कॉल दिखा देगा किसकी कॉल आ रही है। चार्जिंग भी मोबाइल की अच्छी खासी स्पीड में करता है। हमारे डे टू डे रूटीन में क्या होता है कि कहीं गाड़ी स्टैंड में खड़ी हुई है या कहीं पर गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा रश में खड़ी हुई है, थोड़ी बहुत टक्कर हो जाती है, बट उसका बॉडी डैमेज नहीं होता है कंपेयर टू अदर स्कूटीज। मुझे डेली लगभग 200 रुपये का पेट्रोल मुझे डलाना पड़ता था, बट इसको लेने के बाद से वो 200 रुपये तो बच ही रहे हैं, बस उसके बाद भी ये चार्ज रहती है। आई वॉन्ट टू से 1 वर्ड फॉर iQube इज़ शानदार, बहुत ही फंटास्टिक है चलने में, परफेक्ट बाइक।